दलितों की बात करने वाले, पिछड़ों की बात करने वाले, बांग्लादेश में दलित और पिछड़े ही हैं, मारे गए कोई नहीं बोल रहा है। कहाँ है अखिलेश यादव का उस्वान भौंक, अब नहीं बोल रहे हैं। मायावती कहाँ है, कहाँ है वो कांग्रेसी पप्पू, कहाँ है नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, उन कठमुल्लों को भारत के बाहर निकालने तक अभी हमारा अभियान चलेगा। अब सत्य में वो जयते के साथ एक और चीज़ है, धर्म में वो जयते। अब धर्म की जय होगी, भारत भूमि में जिसको रहना होगा उसको भारत के हिसाब से चलना होगा कि आप रोहिंग्याओं को इस देश से खदेड़िए, बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार को रोकिए। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कटोगे तो बटोगे, इस तरह भारत के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को भी सोच करके काम करना चाहिए। उन्होंने बांग्लादेश को मुस्लिम देश घोषित कर दिया है, इसलिए अब हम भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने तक पूरा संघर्ष शेष बच्चे जीवन में लगे रहेंगे। प्रशासन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृहमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र भेजना था कि आप रोहिंग्याओं को इस देश से खदेड़िए, बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार को रोकिए। और जिस तरह हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कटोगे तो बटोगे, इस तरह भारत के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को भी सोच करके काम करना चाहिए। आवश्यकता पड़े तो बांग्लादेश में सैन्य कार्यवाही करें। हमारी जूतियों के बराबर है बांग्लादेश, वो हमारे भाइयों की हत्या करता है, हमारी उन्होंने बांग्लादेश को मुस्लिम देश घोषित कर दिया है, इसलिए अब हम भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने तक पूरा संघर्ष शेष बच्चे जीवन में लगे रहेंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र बना कर रहेंगे और इस देश की जो भी सत्ता होगी उसे हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा, उसे तय करना पड़ेगा, उसे विचारना होगा कि 15% कठमुल्ले अधिक हैं या 85% बहुसंख्यक हिंदू, उनके भावनाओं का सम्मान होगा, ये सरकारों को तय करना पड़ेगा। और हम इस आंदोलन को भारत के घर घर में ले जाएंगे। जो लोग आज सो रहे हैं कल उन्हीं की मौत होगी, वही मारे जाएंगे। अब दलितों की बात करने वाले, पिछड़ों की बात करने वाले, बांग्लादेश में दलित और पिछड़े हैं, मारे गए कोई नहीं बोल रहा है। कहाँ है अखिलेश यादव का उस्वान भौंक, अब नहीं बोल रहे हैं। मायावती कहाँ है, कहाँ है वो कांग्रेसी पप्पू, कहाँ है नहीं दिख रहा है। जातीय जनगणना की मांग करने वाले इस देश में मूर्खों की आवाज़ अब नहीं उठ रही है, अब कहाँ चले गए, अब तो हम ही को लड़ना पड़ेगा। अब कोई नहीं बोल रहा है, यही भदरसा में पिछड़ी जात के हिंदू बच्ची के साथ 72 वर्ष का बूढ़ा 12 वर्ष की बच्ची से दुराचार करता है, कहाँ है समाजवादी नवाजवादी विचारधारा, 6 साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार करता है मौलाना, कहाँ है मायावती, उनकी बहन जी, उनके बहनोई जी कहाँ हैं, कोई नहीं दिख रहा है। अब हम ही को लड़ना पड़ेगा, हिंदू समाज को लड़ना पड़ेगा। हम दलित भी हमारा भाई है, पिछड़ा भी हमारा भाई है, पूरा हिंदू समाज हमारा भाई है। हम इस देश को रोहिंग्या आतंकियों से, बांग्लादेशी घुसपैठियों से, इस देश में रहे पाकिस्तान जो इस देश में रहकर पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, उन कठमुल्लों को भारत के बाहर निकालने तक अभी हमारा अभियान चलेगा। जीवन ईश्वर ने दिया है, मृत्यु भी उनके हाथों है, हम तैयार हैं मरने जीने को, लेकिन हम इस देश में, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने तक संघर्ष हमारा रहेगा। मैं एक एक बच्चे के पास तक जाऊंगा, भारत के बूढ़े बच्चे नौजवान सब के पास जाकर जगाऊंगा, ये मेरा धर्म ही है। और मैंने नवंबर तक टाइम दिया है कि अयोध्या से रोहिंग्याओं को मुक्त कर दीजिए, नहीं करेंगे तो 6 दिसंबर आ रहा है, 24 का 6 दिसंबर, हम उसी 6 दिसंबर की तर्ज पर अयोध्या में एकत्र होंगे। और जैसे बाबरी ढांचा एक एक ईंट चला गया ना, वैसे एक एक रोहिंग्याओं को सब्जी बना लेंगे, खा जाएंगे। हम उनको बांग्लादेश की सीमा के बाहर करना चाहते हैं, भारत में रहेंगे तो धर्म परिवर्तन कर ले, वहाँ के मूल्य कहते हैं धर्म परिवर्तन कर लो। हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ जिन रोहिंग्या को रहना हो आओ, आप भी हिंदू बन जाओ, हम आप इस देश में कोई स्थान नहीं है, उनको नहीं रहने दिया जाएगा, नहीं रहने दिया जाएगा, पूरे संगठन साथ कह रहे हैं नहीं रहने दिया जाएगा। यही कथन बताने के लिए आज हम आए थे, हमने प्रशासन की बात मान ली, सब उनको पत्र दे दिया, हमें जाना था प्रतिमा तक श्यामा प्रसाद जी की, उन्होंने निवेदन किया, हमने उनकी बात मान ली, लेकिन आगे बात माने इसकी कोई गारंटी नहीं है, उन्हें हमारी भावनाओं को समझना पड़ेगा। हाँ, हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये देश के लिए है, अपने पेट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ना हमें विधानसभा पहुंचना है, लोकसभा पहुंचना है, हमें हिंदू राष्ट्र में पहुंचना है, हिंदू राष्ट्र में रहना है। और ये लड़ाई अगर
सरकार को, प्रशासन को गलत लगती है तो हम गलत हैं। अगर चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह आतंकी हैं तो हम भी इस देश के आतंकवादी बनकर इस देश को सुरक्षित करने का काम करेंगे, नहीं हटेंगे, क्योंकि इस देश को बचाना हमारा धर्म है। हमको बचपन में क्यों सिखाया सरकार ने, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाएं, तो हम उस काम को कर रहे हैं जो हमें सिखाया गया था। यही निवेदन करने आए थे। इनके पास 3 महीने 4 महीने का समय है, हो सके तो बांग्लादेशियों को प्यार सहित उनके पिछवाड़े लात मारकर भगा दें, और नहीं तो हम लात नहीं मारेंगे। हम जो मारेंगे वो दुनिया देखेगी। हम पिंकी चौधरी और तक्षरण नहीं हैं कि हम NSM जेल चले जाएंगे। हम जाएंगे तो इतने हिंदू खड़ा करके जाएंगे कि जेलें भी एक मिनट नहीं टिक पाएंगी। अब लड़ाई शुरू हो गई है, धर्म युद्ध है। अब सत्यमेव जयते के साथ एक और चीज़ है, धर्ममेव जयते। अब धर्म की जय होगी। भारत भूमि में जिसको रहना होगा उसको भारत के हिसाब से चलना होगा, उसको जैसा हमारे राज्य का मुख्यमंत्री कहता है इस तरह उसको करना होगा। जिसे भारत प्यारा नहीं है तो कब्रिस्तान में जाए, पाकिस्तान में जाए, पर हिंदुस्तान में रहने की बात न सोचे। यही बताने आए थे। आप सबसे निवेदन है, इसे आवाज़ को बुलंद कीजिए, पहुँचाइए। हिंदुत्व की आवाज़ है। जो अयोध्या देश की सत्ता बदलती है, वो अयोध्या अब हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है। भारत के सत्ताधीशों को सोचना होगा, 100 बार सोच लें। जिस अयोध्या ने 4-5 बार भाजपा को सत्ता दी है, वो एक बार अपनी मांग कर रही है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। रोहिंग्या और बांग्लादेशी कुत्ते और सियारों से इस देश को मुक्त कराएं। हमने प्रारंभ किया था पैदल पद यात्रा थी, ये सरकार को एक संदेश देने के लिए कि हमारे देश में जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी आकर के बस गए हैं, हमारे संसाधनों का उपयोग उपभोग कर रहे हैं, हमारे स्त्रियों का शोषण कर रहे हैं, उन सब को यहाँ से उखाड़ करके बाहर फेंका जाए। तब तक जब तक कि आखिरी रोहिंग्या और आखिरी बांग्लादेशी यहाँ से निकाल के नहीं फेंक दिया जाएगा, हम लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे। और यही नहीं, जिस प्रकार से ये पूरे देश में एक एजेंडा के तहत वामपंथियों द्वारा लाए जा रहे हैं, बसाए जा रहे हैं, समझने की आवश्यकता है कि हमारा पूरा विपक्ष देश को बांटने में लगा है, भारत को खंड खंड करने में लगा है। हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, किसी विपक्षी की आवाज नहीं निकलती है। बांग्लादेशी हिंदुओं के विरुद्ध इतना नरसंहार हुआ, इतनी नृशंस हत्याएं हुई हैं, उस पर विपक्ष ने एक शब्द नहीं बोला, किंतु बोलने वाले केवल एक थे, हमारे बहादुर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ। आज यहां से उनको ये संदेश देना है कि हम सबके साथ हैं, इस लड़ाई में वो अकेले नहीं है। और अब बहुत देर हो चुकी है, अब भारत में प्रधानमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ जी के सुपुर्द कर देनी चाहिए, क्योंकि वही है जो इस देश के धर्म को, यहां के संसाधनों को, संस्कृति को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, जिस प्रकार से इनकी संख्या और जनसंख्या बढ़ रही है देश में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। आप ये सोचिए, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, सब टैक्स देते हैं, इसलिए टैक्स देते हैं कि इन विदेशी आक्रांताओं को हम अपनी धरती पे बिठाएं, अपनी छाती पे बिठाएं, बिल्कुल नहीं। इनको यहां से समाप्त करना, इनको यहां से उखाड़ के फेंकने की अति आवश्यकता है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नीश, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।